बागवानों की डिमांड पे हमारी बागवानी की बातें कार्यक्रम फेसबुक लाइव पे हो रहा है। इस वक्त की जो स्थिति है, ऑलमोस्ट लो हाइट्स में पेटल फॉल हो चुका है। कई जगह पेटल फॉल से थोड़ा आगे स्टेज निकल गई है। फेसबुक लाइव थोड़ी देरी से बनी क्योंकि इस साल की जो फ्लावरिंग थी वो बहुत ही अनइवन थी। जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, 54-55 सौ की हाइट पे है ये ऑर्चर्ड, और यहाँ पर कई जगह अभी भी कुछ प्लांट्स में पेटल फॉल हो रहा है और कुछ दाने ऑलमोस्ट 60-70% जो फ्रूट है वो हमारा लगभग पीनट साइज़ के आसपास पहुँच चुका है। बागवान भाइयों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त है इस वक्त पेटल फॉल का। आज हम दो चीज़ों पर बातें करेंगे, एक हमारी पियर और दूसरा हमारा एप्पल। तो सबसे पहले मैं पियर के विषय में बात करना चाहूँगा आप सभी लोगों से। बहुत सारे फ़ोन कॉल मैसेजेस इसी के रिगार्डिंग ज़्यादा आ रहे थे, पियर में आपकी रस्टिंग आती है, किन किन कारणों से आती है, या एप्पल में आपकी रस्टिंग आती है, किन कारणों से आती है। तो बागवान भाइयों, आज हम नाशपाती से शुरू करेंगे। तो जो नाशपाती है इसमें पेटल फॉल ऑलमोस्ट हो चुका है सभी लोगों के। थोड़ा सा मैं लेट भी हूँ नाशपाती की लाइफ के लिए। अगर आप देखेंगे आपके ऑर्चर्ड में जो पियर्स है उसको आप ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त है जब आपको अपने ऑर्चर्ड की मॉनिटरिंग करनी है। बागवानी ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि आप अपने ऑर्चर्ड से दूर रहे और बगीचों के ऑब्जर्वेशन करें। आजकल ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ऑर्चर्ड में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, कोई इंसेक्ट है या कोई अदर चीज़ है। तो जो पियर का विषय है, अगर आप देखेंगे आजकल पेटल फॉल के बाद आपकी नाशपाती थोड़ी ऊपर से घूम गई होगी, तिरछी हो गई होगी। तो तिरछी होने का मतलब क्या है? तिरछी होने का मतलब है जो दो बड़े रीज़न है रस्टिंग के पियर में, एक रीज़न आपके ऑर्चर्ड में आ चुका है ऑलरेडी। एक छोटा सा इंसेक्ट रात के वक्त आता है और उस पियर को पीछे से खुरच लेता है। एक दो जगह से जैसे ही खुरचेगा आपकी पियर लगभग ऐसे ऐसे आकार की, धनुष आकार की बन जाएगी। तो इसका मतलब आपका फ्रूट डैमेज हो चुका है और वो रस्टिंग आ चुकी है उसमें, और वो ख़राब हो चुका है और वो बी ग्रेड बन चुका है। जिन बागवान भाइयों के ये प्रॉब्लम नहीं है या जिनकी आ चुकी है उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज इस साल पियर की क्रॉप बहुत ही अच्छी है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी प्लकिंग कर सकते हैं। जो आपके नाशपाती में तिरछी हो चुकी है पियर, उसको कट डाउन कीजिए, काट के नीचे फेंक दीजिए, क्योंकि वो बाद में होना भी बी ग्रेड है। इस साल पियर बहुत अच्छी रिपोर्टें आ रही है तो इस साल क्वालिटी बिकेगी। इस साल हो सकता है नाशपाती के रेट बहुत डाउन रहे, मगर जिसके पास क्वालिटी होगी वो हमेशा बिकेगी। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा बिल्कुल डाउन मार्केट में मेरी अपनी पियर गई थी, जो 1100-1100 की मार्केट थी। जब आपके पास पियर सुंदर है तो वो किसी भी मार्केट में एक अच्छे दाम ले लेती है। तो मैंने दिल्ली भेजी थी और वो लगभग 2300 या 2400 के आसपास बिकी थी। तो अगर आपके पास पियर में फ्रूट क्वालिटी है तो आप किसी भी वक्त क्वालिटी के लिए कभी भी डाउन मार्केट नहीं होती, एक अच्छी मार्केट आप ले सकते हैं। तो पियर के लिए आप क्या करेंगे, तो जो अभी आप इमीडिएट उसमें कौन सी स्प्रे करें अब इंसेक्ट के लिए, तो जो इंसेक्ट जो पियर में इंसेक्ट है जो उसको डैमेज करता है, उसके लिए जो बहुत ही एक बढ़िया इंसेक्टिसाइड है फ्लूबेंड डामाइड, 20% WG फॉर्म आती है इसकी, फ्लूबेंडा माइड। एक्चुअल में जो ये फ्लूबेंडा माइड है इसको आप दो कंपनी के, मैं आपको
ब्रांड नेम से बताऊंगा, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ही कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि भाई कौन से इंसेक्टिसाइड करें हम। कई लोग क्लोरोफोरिफॉस भी डालते हैं, थायोमेथोक्सोम भी डालते हैं। तो थायोमेथोक्सोम भी एक अच्छा सॉल्ट है, मगर एक प्रॉब्लम उसके साथ थोड़ी सी है कि अगर आप नेक्स्ट स्प्रे जल्दी नहीं करेंगे तो रस्ट माइट थोड़ी जल्दी आ जाएगी और माइट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो ये फ्लूबेंडामाइड 20% WG फॉर्म है, इसको आप एक टाटा कंपनी का भी आता है ये प्रोडक्ट, और एक इफ़को का आता है टकी भी। तो इसको आप 50 ग्राम 200 लीटर पानी के डोज से आप इसकी स्प्रे पियर में कर सकते हैं, जिससे आपका इंसेक्ट का डैमेज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो पियर की मैं अगर बात करूं, पियर में जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी सालों से, आ तो बहुत पहले से रही, तब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक आ चुकी है, वो है रसेट माइट। रसेट माइट के लिए आप लोगों को क्या करना है, ऑलमोस्ट जब पीनट पियर का क्रॉस कर चुका होगा तो आपको लेंस लेना होगा। बागवान भाइयों, सबसे ज़रूरी है कि आपके पास अपने औजार पूरे हो, छोटे छोटे टूल्स हो, आपके पास एक टूल बैग हो जिसमें आपके सारे ज़रूरी चीज़ें रखी हो। आप ऑर्चर्ड की मॉनिटरिंग करते रहिए, जो आपके गोल्डन में रस्टिंग आती है, गोल्डन जिनके वो भी रस्टिंग रसेट माइट की वजह से आते हैं, तो जो रसेट माइट है वो बहुत ही डेंजरस है, पियर को तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर देती है। आप देखें कि ब्राउनिश कलर की हो जाती है पियर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको इंसेक्टीसाइड की एक स्प्रे करनी है अगर वो आपका कीड़ा आया है या उसको आप डैमेज होने से बचाना चाहते हैं। सेकेंडरी आएगी आपकी माइटीसाइड। अब एक क्वेश्चन आता है कि माइटीसाइड में कौन सी डालें। बाजार में बहुत सारे तरह के सॉल्ट अवेलेबल है, तो जो अभी है पेटल फॉल के बाद जब आप इंसेक्टिसाइड इमीडिएट डालते, बहुत जल्द डालना चाहिए, उसके लगभग हफ्ते के बाद आप एक माइटीसाइड की स्प्रे करेंगे, प्रोपेरीगेट। एक प्रोपेरीगेट करके आती है, 27% इसी फॉर्मेशन में है ये। ये एक्रीसाइड है, एक ऐसी माइटीसाइड जिसमें आप देखेंगे कि माइटीसाइड का सॉल्ट लिखा है और उसके नीचे एक्रीसाइड लिखा है। एक्रीसाइड बहुत ही अच्छा एक चीज़ होती है, जिसमें लिखा होगा वो हर तरह की चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है। तो आपको एक इमीडिएट एक माइटीसाइड डालनी है, उसके बाद आप जो पियर में नेक्स्ट स्प्रे करेंगे लगभग 10 दिन के बाद, हफ्ते की हफ्ते और 10 दिन के बाद एक स्प्रे और करेंगे आप, उसमें आप समर ऑयल 2 लीटर डाल सकते हैं। समर ऑयल के साथ एक आप माइटीसाइड डाल सकते हैं। आप मार्केट में जो अवेलेबल होगा आपके पास माइटीसाइड, दो तीन नाम से मैं बताऊंगा, एक मिटिगेट करके आता है, एक सेडना करके आता है, एक विल्थरीन करके आता है। ये जो चीज़ें हैं इसको आप समर ऑयल के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं पियर में रस्ट माइट कंट्रोलिंग के लिए। उसके बाद कुछ लोग ऑर्गेनिक बेस पे कोई केमिकल नहीं डालना चाहता, तो आप समर ऑयल के साथ नीम ऑयल डाल सकते हैं, जिससे आपकी रस्टिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। आप पूरी मॉनिटरिंग करते रहिए अपनी नाशपति के पत्तों की लेंस के साथ। आजकल बहुत अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन भी मैक्सिमम लोगों के पास है, उसमें जूमिंग फैसिलिटी है। आप पत्ते को नीचे स्टेबल रखिए और ऊपर से जूम करके अपने मोबाइल के कैमरे से भी आप अपने कैमरे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेंस की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, सबके हाथ में एंड्रॉयड है। जो इस वक्त देख रहे हैं लोग मेरी लाइव, सबके पास हाथ में फ़ोन है, तो आप कैमरा ऑन कीजिए, सेब के पत्ते, पियर के पत्ते, हमेशा उसकी मॉनिटरिंग कीजिए। तो जब आप जूम करके देखेंगे या ऐसे भी देखेंगे तो आपको जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो ऐसे ही दिख जाएंगे। तो ये मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इस वक्त एक क्वेश्चन और आता है लोगों बागवानों के जहन में कि नाशपाती में बहुत सारे लोग यूरिया की स्प्रे करते हैं। बागवान भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही
खतरनाक चीज़ है। अगर आप फॉलियर ग्रेड फॉलियर स्प्रे में यूरिया डालते हैं, आप देखें कि पत्ते ब्लैक हो जाते हैं और उससे छोटे से पियर के स्किन नाजुक होते हैं उसमें डैमेज हो जाता है, ब्लैक ब्लैक से स्पॉट पड़ जाए और वो एक तरह के डैमेज हो जाता है। अगर आप कभी भी यूरिया फॉर्म को स्प्रे पियर में डालना चाहते हैं तो स्प्रे के बजाय आप नीचे सॉइल के माध्यम से नाइट्रोजन को दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन वुड भी बनाता है, सेल डिवीजन भी करता है और एक तरह से आपके पियर को ग्रीन रखने में, क्योंकि पियर ग्रीन ही बिकती है, तो एक अच्छी चीज़ हो सकती है यूरिया फॉर्म पियर में। इसको आप तोड़ के 2 या 3 बार भी डाल सकते हैं यूरिया को सॉइल ग्रेड के माध्यम से पियर के लिए। तो जो इसके बाद का जो शेड्यूल रहेगा पियर में, आप कैल्शियम की और बोरॉन की स्प्रे रेगुलर इंटरवल पर करते रहे। जो आप और इसके बाद जो मैनेजमेंट आप बगीचे की करेंगे, कई लोग समर ऑयल की स्प्रे सेब में भी करते हैं, तो सेब के साथ साथ वो पियर में भी हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो उसके बाद आप फंगेसाइड्स करते हैं वो आप पियर में भी कर सकते हैं और सेब में भी, या किसी तरह का आप टॉनिक डालते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब सेब में डालते हैं तो आपके साथ साथ पियर में। इसके बाद पियर में आपको जब वॉलनट के क्रॉस कर देगा उसके बाद भी एक मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है बागवान भाइयों। एक प्रकार का कीड़ा फिर आता है जो बी ग्रेड करता है, तो वो आप ऐसे ना करें स्प्रे, पहले मॉनिटरिंग करें कि कितने परसेंट कोई इंसेक्ट आया है, उसके बाद ही आप फॉलियर स्प्रे पे जाए। उसके बाद पियर को जब आप प्लग करेंगे, उससे पहले जब प्री मॉनसून आता है, एक सुंडी आती है वहाँ पे, आप देखेंगे पत्ते जब चिपक जाते हैं बारिश के बाद पियर में, तो अंदर से ऐसे टनल जैसी बनाई होती है, वो बहुत सारा डैमेज करती है, वो सुंडिया होती है। उसके लिए आप सेम टेक्निक डाल सकते हैं, मार्केट में एलिका टाइप में भी आता है, थायोमेथोक्सोन भी आप उस वक्त स्प्रे कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा पियर के लिए इंसेक्ट से बचाने के लिए। तो जो ये शेड्यूल है आप इसको प्रॉपर फॉलो करिए। कैल्शियम की स्प्रे जितना ज़्यादा आप पियर में करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि वो स्किन को मजबूत बनाएगी, शाइनिंग लाएगी। और कैल्शियम हमेशा विद मैग्नीशियम और बोरॉन डालें, साथ मैग्नीशियम आपके क्लोरोफिल भी बनाएगा पियर में।